हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम बनाने लगे हैं क्रीमी फ्रूट चाट। तो इसमें ये सब जो भी आपको फल पसंद है वो आप ले सकते हैं। वैसे इसमें मैंगो हो गया, अमरूद है, अंगूर है, और सेब, पाइनएप्पल, और ये है केला। तो इसमें मिक्स कर देना हमने, ये शुगर भी है, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स किया। तो आप देख सकते हो हमने इसके अंदर हाफ कप क्रीम डाला है। आप इसकी जगह कोई फ्रेश क्रीम आती है वो भी ले सकते हो, हमने ये वाली ली है। और हाफ कप ही हमने दही लिया है। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना रहे। और पाइनएप्पल सिरप डालेंगे इसमें थोड़ा सा। फिर हमने ये ले लेना है क्रीम, हाफ कप क्रीम का लेना है, हाफ कप ही दही ले लेना है। उसको मिक्स करके पाइनएप्पल का इसके अंदर जूस मिक्स कर देना है ताकि उससे ज़रा ये नरम हो जाए और मिक्स करने में भी इजी हो जाए। ये इसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करके इसमें हमने ब्राउन शक्कर दो से तीन बड़ी चम्मच डाल लें। ये अभी मेरे पास छोटी चम्मच है तो मैं छोटी से ही डाल रही हूँ, अंदाजे से दो से तीन चम्मच काफ़ी रहेंगे। थोड़ी सी डाल देंगे, हाफ चम्मच टीस्पून ले लें काली मिर्च। हम इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक हम हाफ टी स्पून डाल रहे हैं। और हमने जो पाइनएप्पल लिया था वो केन वाला यूज़ किया था, तो ही उसका हमने क्रीम हमारी थोड़ी थिक थी इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून जितना उसका जूस डाला था। सब चीज़ें मिक्स कर लेनी है इसमें। मिक्स करके फिर हमने जिसमें आपने सर्व करना है उसमें डिश में डाल लें। ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर तैयार हो गई। अब हमने खाने शुरू कर देनी है। सर मजा आता है क्या ये चिल्ड? हाँ चिल्ड, अगर आप ये खाएं ना तो ये उसी वक्त ही ज्यादा मजा आ रहा होता है इस डिश का। तो ये हमारी जो क्रीमी फ्रूट चाट है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये इतनी मज़े की बनती है ना, आप बनाना और मुझे बताना कि कैसे बनी है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बेल ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और जितने भी मैं आप सभी को इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये सच में रमज़ान में आप बना के खा सकती हो क्योंकि इतनी मज़े की बनती है। आप कोई भी क्रीम ले लो, फ्रेश क्रीम आती है उससे बना लो, इतनी अच्छी बनेगी। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। जिसको फ्रूट खाना, सिर्फ फ्रूट खाना नहीं पसंद, वो ऐसे चाट बना के खा सकते हैं। और ये रेसिपी मुझे आंटी ने शेयर करी है, थैंक यू आंटी। ये देखिए मैंने इसे सर्व कर ली और इतने मज़े की बनती है ना, इसका टेस्ट माशाल्लाह इतना अच्छा आता है। तो आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा। और एकदम इजी और फटाफट बनने वाली फ्रूट चाट है। जब 3 मिनट के अंदर हमारे जो फ्रूट चाट है वो बन चुकी है। अब इसे आप ठंडा करके खाओगे ना तो उसका अलग ही मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।